द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने से पहले उन्होंने दिल्ली के राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। वे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वे झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के दौरान अपने सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। साथ ही कहा कि मैं अपने गाँव से कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में गरीब भी सपना देख सकते हैं, मेरा राष्ट्रपति बनना इस बात का सबूत है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना